पूर्व बीएसपी नेता मुठभेड़ में ढेर, यूपी में एक और एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी था विनोद उपाध्याय। अपराध और अपराधियों की यूपी में कोई जगह नहीं है। योगी सरकार का ये वादा सिर्फ वादा नहीं बल्कि यूपी की हकीकत है। यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की गवाही सुल्तानपुर से सामने आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां 1 लाख रुपए के इनामी माफिया विनोद उपाध्याय को एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। विनोद उपाध्याय वैसे तो गोरखपुर का रहने वाला था, लेकिन उसका अयोध्या से खास नाता था। वो सिर्फ अपराध जगत में ही नहीं अपने नाम के जरिए खास धमक बनाकर रखे था, बल्कि अगर विनोद के भूत पर नजर डालेंगे तो राजनीति के कई गड़े मुर्दे सामने आकर विनोद के खौफ की गवाही देंगे। लेकिन विनोद के अपराध की दुनिया में नाम कमाने की कहानी भी बेहद खास है, क्योंकि कहा जाता है कि एक थप्पड़ ने विनोद के अंदर के एक ऐसे शैतान को जगा दिया, जिसके बाद विनोद के नाम की दहशत पूरे पूर्वांचल में फैल गई। बताया जाता है कि विनोद उपाध्याय का साल 2004 में गोरखपुर जेल में बंद अपराधी जीत नारायण मिश्रा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जीत नारायण ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद साल 2005 में इसका बदला लेने के लिए विनोद ने संत कबीर नगर जिले में जीत नारायण की हत्या कर दी। इसी घटना ने उसे सुर्खियों में ला दिया। ऐसे में बीएसपी के शासनकाल में विनोद उपाध्याय ने अपनी हनक और बढ़ा ली थी। उस समय जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के पद पर उसने एक पूर्व विधायक के पक्ष के प्रत्याशी को हरवा कर अपने पक्ष के प्रत्याशी को चेयरमैन बनवाया था। 2005 में पहली हत्या के बाद महज 2 साल में ही विनोद उपाध्याय ने अपना राजनीतिक रसूख भी बना लिया था और बीएसपी से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2007 में बीएसपी ने विनोद उपाध्याय को गोरखपुर का प्रभारी बना दिया। इसके बाद उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की ही एक विधानसभा सीट से बीएसपी ने विनोद उपाध्याय को उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन वो चुनाव हार गया। गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुशील सिंह को अगवा कर पीटने का आरोप भी विनोद पर लगा था, जिसको लेकर बतौर सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मूल रूप से अयोध्या के थाना महराजगंज के माया बाजार के रहने वाले शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय अपना एक संगठित गिरोह बनाकर गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ में कई सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे चुका था। उसके खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी के टॉप 10-61 विनोद कुमार उपाध्याय यूपी के टॉप 61 माफियाओं में शुमार था। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।